प्लीज जन्मे अभी सोचे कि हमने कुछ नहीं किया, घर बैठे ही भगवान मिल गए। हम तो जा रहे थे राह में, चलते चलते मिल गए। इसीलिए शायद बाबा को भी बहुत इजी दिन मिले थे, घर बैठे मिल गए, कुछ करना पड़ा नहीं, बहुत इजीली मिल गए। तो जो उसकी वैल्यू है, जो कीमत है, वो भी शायद नहीं समझते। कौन मिला हमें, भले इस जन्म में हमको कुछ ज्यादा मेहनत तपस्या नहीं करनी पड़ी, पर यदि कोई हमें हमारे पूर्व जन्म दिखाते तो हमें पता चले कि कितने जन्मों से हम उसकी खोज कर रहे थे, ढूंढ रहे थे उसको। एक तरफ थी अंदर उसको प्राप्त करने की, उसको देखने की। इसके लिए किसी ने जो भी कहा वो हमने किया। अगर किसी ने कहा कि तुम नंगे पांव ही मार्गे पर जाओ तो शायद भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा, तो वहां भी गए। किसी ने ये बोला कि कटरीली राहों पर चलकर के वन में जाओ तो शायद दर्शन देते, वो भी किया। किसी ने राय दी कि निर्जल उपवास रखो, रात भर जाग कर उसका जागरण जगराता करके गुणगान करो, महिमा करो, तो शायद प्रसन्न हो जाए, वो भी किया। पता नहीं कितने यज्ञ तप हवन तीर्थ यात्राएं क्या क्या नहीं किया, फिर भी हम उसको ढूंढ नहीं पाए। कितने जन्म बिता लिए द्वापर से लेकर इस जन्म तक, फिर भी हम उसको ढूंढ नहीं पाए। ढूंढा किससे हमें, क्योंकि जैसी चाह जैसी तड़फ हमारे दिल में थी, ऐसी ही चाह ऐसी ही तड़फ ऊपर वाले के पास भी थी। आप सब, मुझे लगता है मोस्टली माताएं बैठी हैं, जो हमारे गृहस्थी भाई बहने हैं, माता पिता हैं, वो बैठे हैं इस सभा में। आप सब जानते होंगे कि माता पिता का कितना गहरा अटैचमेंट होता है अपने बच्चों से, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा। अगर उनका बच्चा किसी भी कारणवश उनसे दूर जाए, नौकरी करने, बिजनेस करने, पढ़ने, तो जिस दिन वो जाता है, फोटो पे तो एक फॉर्मेलिटी पेपर मुस्कुरा होती है, परंतु दिल अंदर से कैसा होता है। जिस दिन वो जाता है सब सुना सुना लगता है, जाने से पहले आने की डेट कैलेंडर पर राम कर ली जाती है, इस दिन इस टाइम पर ये आ जाएगा। आने की उम्मीद जाने से पहले बंद जाती है, और जब चला जाता है तब क्या होता है, खाना भी नहीं खाया जाएगा, घर सुना सुना लगेगा, वीरान लगेगा, आंख में आंसू भी आ जाएंगे, ऐसा लगेगा घर की रौनक चली गई। ठीक है ना, आपने कभी सोचा कि जब हम अपना घर छोड़कर आ रहे थे तो ऊपर वाले को कैसा लगा होगा। केवल आप ही माता पिता है, वो माता पिता नहीं क्या, उसके लिए आज तक हम गाते रहे, तू माता पिता हम बालक तेरे। बस फर्क इतना है कि आप शरीरों के माता पिता हैं और वो, परंतु है तो माता पिता। जैसा आपका प्रेम, आपके भाव अपने संतानों से हैं, वैसी ही फीलिंग, वैसा ही प्रेम, वैसा ही भाव ऊपर वाले का भी अपने बच्चों से है। आप वो सीन देखिए जब एक एक आत्मा इस धरा पर उतर रही थी, उसके घर की जगमगाहट धीरे धीरे कम हो रही थी, एक के बाद एक नीचे आ रहा था विदाई लेकर के, और फिर धीरे धीरे उसके अनन्य लाड़ले, उसके सर के ताज, जिगर के टुकड़े सब नीचे उतर गए।
कि सारा वो सेवन भी तो वीरान हुआ होगा या नहीं, उसके घर की रौनक भी खत्म हुई होगी, उसका घर का श्रृंगार भी उसके सामने जा रहा था। कैसा लगा होगा उसको? वो केवल कहने के लिए माता पिता है या सच में माता पिता है? फील कीजिए कैसा लगा होगा उसको, महसूस कर सकते हैं? तो तड़फ एक तरफा नहीं थी, मिलने की तड़फ दोनों तरफ थी। हमारे से ज्यादा तो बहुत सुख था मिलने के लिए, परंतु सृष्टि के विधानों का विधाता खुद ड्रामा के बंधन में ऐसा बंधा था कि उचित समय की प्रतीक्षा। और जैसे ही ड्रामा में सीन आया, एक सेकंड की भी देरी नहीं लगी, उसने क्या कर लिया, ढूंढ लिया। देखिए कोई किसी भी गांव के कोने में था, वहां से भी ढूंढ लिया। सात समंदर पार बैठा था, वहां से भी ढूंढ लिया। उसकी पहली नजर से कोई भी आत्मा, उसके अनन्य बच्चे बच नहीं पाए, ढूंढ लिया। किसलिए ढूंढ लिया? क्योंकि उसकी निगरानी में थे हम, उसकी नजरों में थे, इसलिए ढूंढने में उसे एक सेकंड भी नहीं लगे। ढूंढ तो लिया, मिल भी गया, परंतु ये कहावत बहुत जल्दी से बदल रही है। कल तक हम कहते थे भगवान का अवतरण हो चुका है, आ चुका है, अभी थोड़ा सा स्लोगन चेंज हो गया। अभी कहते आधा वो कब का चुका है, अब तो उसके जाने का वक्त है। पता नहीं कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण, कौन सा पल ऐसा आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। कभी भी ये हो सकता है जब पुनः 5,000 साल के लिए वो मुझे बाय बाय बोल दे, चला जाए फाइनली। इससे पहले कि वो जाए, विदाई ले, कुछ ऐसा कर लूं कि वो दूर जाकर भी जाना आए। अब वो ही समय है, अगर ये समय हम चूक गए तो फिर दोबारा ये वक्त हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या करें कि दूर जाकर भी दूर जाना पाए, उसका मेरा रिश्ता जन्म जन्म के लिए, हर युग के लिए अटूट बन जाए। बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है, दो युग ढूंढा है। दो युग मतलब समझते हैं, 2500 वर्ष। इसी चाह में जन्मे और इसी चाह में मृत्यु को प्राप्त हो गए, कहीं तो उसके दर्शन हो जाए। चलो दर्शन नहीं होते तो पांव की धूल तो मिल जाए, तो भी जीवन सफल हो जाए। अब मिला है, अब इस अनमोल समय को, अनमोल क्षणों को मैं तू तेरे में मेरे में तो नहीं गवा रही। मुझे जो अब कर लेना चाहिए वो तेजी से करना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं होता। तो ऐसा क्या करूं कि वो दूर जाकर भी दूर ना जा पाए? क्या कर सकते हैं आप ऐसा जी? बांध लो उसे, बांध लो। बांध सकते हैं या नहीं? इसको बांधने की बात हो रही है, पता है आपको कौन है बाबा? बहुत सस्ती वस्तु का नाम नहीं है बाबा, त्रिलोकी नाथ, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ। उसको बांधने की बात हो रही है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं की बांध लो। तीनों लोगों पे जिसका पूरी तरह कब्जा है, तीन लोग जिसकी उंगली के इशारे पे काम करते हैं, उसे बांधने की बात कर रही हूं। अगर वो एक बार खाली पलके उठा दे ना, मात्र भी पलके उठा दे, तो ये सात समुद्र खिसक के पीछे हट जाए।
अगर सिर्फ एक बार उंगली से इशारा कर दे, मात्र एक उंगली से इशारा कर दे, तो ये पूरा हिमालय राख बन करके उड़ जाए। अगर मात्र एक संकल्प कर दे मन में, एक सेकंड से कम समय में भी ये पूरी वसुंधरा को स्वर्ग बनाने की ताकत रखता है, जिसे मैं मेरा बाबा कहते हूं, सर्वशक्तिमान। जितनी भी शक्ति का स्रोत देख रहे हो वहां से कनेक्ट है वो, उसको बांधने की बात हो रही है। यशोदा मैया से तो खाली एक लल्ला नहीं बना था, बांधने चली थी ना उसको। आज बड़ी शक्ति रूप है उसका, बड़े शक्ति रूप ही बोले थे, बड़े जोश में बोल रही है, कृष्ण को आज तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं बांधूंगी ओखली से रोज रोज तुम जो है लाने लेकर आते हो, आज देखती हूँ कैसे जाओगे। पहली बार ऐसा रूप देखा माँ का, थोड़े से भयभीत हुए कृष्ण और दाऊद से कहा, माँ का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा, आज तो थोड़ी मुझे भी घबराहट हो रही है, मुझे भी भय लग रहा है मैया से। ऊपर नारद मुनि भी सुन रही होते, नीचे का हाल जबरदस्त रिपोर्टर है देवताओं के नारद मुनि, इधर उधर का समाचार फटाफट इधर से उधर करते हैं। जब उन्हें लगा कि कान्हा जी साधारण नारी से डर गए हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, वो अपना ये आश्चर्य लेकर के विष्णु के पास पहुंचते हैं, नारायण नारायण करते हुए और कहते हैं, इस सृष्टि के पालन करता आप और भय, ये दोनों कैसे संभव है, क्योंकि विष्णु का ही बाल रूप श्री कृष्ण है। तो उनसे प्रश्न पूछ रही है, आप एक साधारण सी नारी से डर गए, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है। तब विष्णु जी मुस्कुराए और कहा, नारद सुनो, जिसे तुम मेरी मां बोल रही हो और दूसरी तरफ साधारण बोल रही हो, ये दोनों जमना नहीं है। कोई भी साधारण नारी मेरी मां बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकती, और जो मेरी मां बन चुकी है वो साधारण कभी भी हो नहीं सकती। ऊपर वाला बार बार कहता है, हर रोज कहता है कि जो मेरे बच्चे बन गए, जिन्होंने मेरे को जान लिया, पहचान लिया, दिल का रिश्ता बना लिया, वो तीनों लोगों में साधारण कभी भी वो नहीं सकते। वो शिव की संतान है, शिव के पुत्र है, शिव की पुत्रियां हैं, वो साधारण हरगिज नहीं है। साधारण नहीं तो फिर क्या है, साधारण नहीं तो क्या है, अति महान आत्मा है। भले आप साधारण घर में रहते हो, भले पढ़े लिखे नहीं हो, भले स्टैंडर्ड दो है, परंतु आपके पास वो बुद्धि है जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। आपकी इसी डिवाइन बुद्धि ने साधारण तन में महाज्योति को पहचानने की ताकत रखी है, इसीलिए दुनिया से हटके हो और क्या हो, अति ग्रेट हो, महान हो। जब श्री कृष्ण ने विराट रूप का साक्षात्कार कराया, आंखें खुली हुई थी, क्या हो गई थी लोगों की, बंद हो गई थी, सामने था परंतु देख नहीं पाए। रीजन क्या था, क्यों नहीं देख पाए, घटनाएं तो यहीं से घटी है ना सर, क्यों नहीं देख पाए, रीजन क्या था कि सामने साक्षात्कार हो रहे, केवल एक या दो व्यक्ति उसको देख पा रहे हैं, बाकी सबकी आंखें क्या हो गई थी, बंद हो गई, क्यों नहीं देख पाए, दिव्य नेत्र नहीं था, पुण्यों का बल। तो इस हॉल में जो भी आत्माएं बैठी हैं, वो सब कौन है, महान आत्मा के साथ साथ पुण्यकार पुण्य आत्माएं हैं। कहा नारद मुनि को कि देखो, जिसे तुम साधारण नारी कह रहे हो, उसका पूर्व के रूप देखो, वो कितनी बड़ी सा
साधक साध्वी तपस्वनी कितनी बड़ी तपस्या कर रही है, एक ही संकल्प से कि मुझे कृष्ण प्राप्त तो हो, कई जन्मों की तपस्या का फल देने के लिए अब मैं पुत्र रूप में इसके साथ रिश्ता निभा रहा हूं। बाबा भी कहते, बच्चे तुम भी अपने पूर्व जन्मों को देखो, तुमने भी चरम सीमा की भक्ति की है। और फिर भक्ति का फल क्या मिला है? स्वयं भगवान प्राप्त हो गए हैं। तुम्हारे जैसी भक्ति भी चारों युगों में कोई नहीं कर सकता जैसी तुमने की है। क्योंकि भक्ति का ही अगली डिग्री कौन सी होती है? भक्ति से आगे क्या है? वो मिला है। फिर बहुत पते की बात कहते हैं विष्णु कि अब मैं केवल पुत्र रूप में रिश्ता निभा रहा हूं, विष्णुपना छोड़कर केवल पुत्र का रिश्ता। ऊपर वाला भी कहता है, बच्चे मैं खुदा परमात्मा अल्लाह गॉड ये संसार के लिए हूं, तुम्हारे लिए तो मैं अपना भगवान पना छोड़कर तुम्हारे लिए केवल तुम्हारा बाबा बनकर तुम्हारे बीच में उपस्थित हुआ हूं। उसकी प्रेम की परिकाष्ठा देखिए कि उसने अपना भगवान पना छोड़ दिया, अपना धाम छोड़ दिया, अपना वेश बदल लिया, मेरे जैसा बनकर मेरे बीच में उपस्थित हुआ। ये है उसके प्रेम की परिकाष्ठा जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भगवान तो मोरों के लिए है, अब हमारे लिए क्या है? केवल क्या है? बड़ी ठंडी लग रही है, सुनना तो चाहिए ना उसको। क्या है? बाबा है हमारा। अब ये सोदा मैया सोचती है जगत जिगर के टुकड़े को भागना, ऐसी वैसी वैसे से थोड़ी भागूंगी। बड़ी बड़ी सोने चांदी की जंजीरें लेकर आती है, महंगी महंगी रस्सियों में बांधूंगी इसको, पर हर बड़ी रस्सी छोटी पड़ रही है, वो छोटा सा बच्चा बंधने का नाम नहीं लेता। फिर सोचती है बड़ी मेहनत प्रयास करने के बाद, अरे रेशम की भी तो रंग बिरंगी नरम नरम प्रलोभित करने वाली रस्सियां हैं, उनको लेकर आती हूँ, उसमें बंध जाएगा। लेकिन बड़े बड़े बंडल खत्म हो गए पर वो बच्चा बनने का। लेकिन आज हट है, एक को हट है बांधने की और एक को हट है ना बनने की। जब तक यशोदा मैया जैसी हट मेरे दिल में पैदा नहीं होगी, तब तक मैं त्रिलोकी नाथ को नहीं मान सकती। हट पैदा करो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कुछ भी मुझे करना पड़े कर तुझे बांधेंगे जरूर। जब ऐसी हट पैदा होगी तब ऊपर वाला समर्पित करेगा अपने को बांधने के, बांधो। लेकिन आज उसकी हट देखकर कहना भी बड़ा विचित है, ऐसी हट तो पहले कभी नहीं थी। अब देखिए कितना सुंदर है, उसी से पूछ रही है कि देख मुझे तेरे को बांधना जरूर है, अब तू ही बता तू बंधेगा कैसे, क्योंकि आज मैं तुझे छोड़ूंगी। बोल हो गया, मेरी शक्ति मेरे प्रयास मेरी मेहनत सब फेल हो गए, अब तू बता तू बंधेगा कैसे, मैं बिना बांधे तो नहीं छोड़ूंगी तेरे। तब श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते, मैया तुझे सच में बांधना है तो दिल में प्यार पैदा कर, आंखों से एक बार प्यार दिखा दे, होठों पे मुस्कुराहट ला दे, तेरी साड़ी के आंचल से बंध जाऊंगा, रस्सियों की तो जरूरत ही नहीं। क्या है ऊपर काम वाले को बांधने की तरकीब, कौन सी रस्सी है जी? स्नेहमयी भावना संपन्न रस्सी। कहां पैदा होती है? कहां बनती? कौन सी फैक्ट्री में बनती है रस्सी? सबके पास है ना, दिल सबके पास है। ये रस्सी केवल दिल में पैदा होती है, ये दिल से
को बांधती है, जोड़ती है। तो भगवान को यदि बांधना चाहते हैं तो दिल में कौन सी रस्सी पैदा करनी पड़ेगी? भावना मन सही। लेकिन अफसोस क्या है कि हम उसे दिमाग से ज्यादा यूज करते हैं, दिमाग से बहुत यूज करते हैं। आजकल जो ब्राह्मण आ रही है ना, बाबा के बच्चे, वो भी दिमाग से ज्यादा यूज करते हैं। बहन जी मेरा अच्छा पास हो जाए ना, भोग लगवाओगे। अच्छा, पहले स्वार्थ रखा, पीछे बाबा रखा। जैसे भक्ति मार्ग में करते थे ना, बड़े नाच से कहते हैं हम, बिना दिया भक्ति करे, पूजा पाठ किए बिना बहन जी जल भी ग्रहण नहीं करते। अब उनका पूजा पाठ का तरीका क्या होता है, हाथ में दो अगरबत्ती होती है, हाथ में माचिस होती है, भगवान जी के सामने बैठे दिया जला करके, जो भी उनके इष्टदेव देवियां हैं, आंख बंद करके, भगवान मेरे पति का धंधा अच्छा चले, मेरे बच्चे सही मार्ग पे चले, मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरी सासी तबीयत ठीक कर देना, मैं पकड़ दो अगरबत्ती। ब्राह्मण बच्चे भी क्या, या तो योग में इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता। जब मन भटकता है तो योग बोरिंग लगता है, वरना योग जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कुछ है नहीं, जिसमें आत्मा भगवान से मिलन करती है, रूढ़िया करती है, बातें करती है, परमात्मा को निहारती है, उसके वाइब्रेशन लेती है, उसकी ब्लेसिंग लेती है। इससे अच्छी वो कौन सी, इससे शुभ घड़िया लाइफ में कोई दूसरी होगी? नहीं होगी। लेकिन या तो हम करते हैं, और जब करके बैठते हैं तो कामनाओं की इतनी लंबी लिस्ट लेकर रहते हैं, हाँ बाबा बस शुरू हो जाएंगे, ठीक है वो भी कीजिए, हमें मिला है तो हम उससे बेनिफिट लेंगे, कीजिए। पर कुछ क्षण तो ऐसे निकालिए, कुछ समय तो ऐसा निकालिए जब मैं उसके प्रेम में मगन हो जाऊं, जिसमें एक दिन के जितनी भी मार्जिन ना हो, जिसमें ना कोई इच्छा हो, ना स्वार्थ हो, ना कामना हो, केवल एक तरफ हो, उसे निहारने की, उसे प्यार करने की, उसकी कुछ सुनने की, अपनी कुछ सुनाने की, कुछ अपने को जानने की, कुछ उसको जानने की, कुछ वक्त तो ऐसा निकालिए ना जब केवल लव में लीन हो हम, कुछ भी ना हो बीच में, कुछ भी नहीं, ना कोई विकल्प, ना कोई संकल्प, केवल तू मैं तू। ये लवलीन वाली स्थिति भले ही 15 मिनट की हो, पर ये जो ताकत देती है आत्मा को, जो ये दिल को भरती है, जो ये प्यास बुझाती है जन्म जन्म की, इससे वंचित है। तो बांधना तो है, दिल की रस्सी भी है और भगवान का वायदा भी है। आज यदि कोई भी आपके मन में चिंता है, टेंशन है, बोझ है, या कोई शुभ इच्छा है, शुभ संकल्प है, कभी कभी क्या होती है, इच्छा बड़ी शुभ होती है, अगर वो पूरी ना हो तो उसकी भी टेंशन। इच्छा बड़ी शुभ है परंतु पूर्ण नहीं हो रही, संकल्प बहुत बेस्ट है परंतु पूर्ण नहीं हो रहा, तो उसकी भी क्या हो जाती है, टेंशन हो जाती है। तो आज जितने भी बोझ है आपके मन पर, इस भट्टी की शुरुआत से पूरे विश्वास के साथ, पूरी भावना के साथ ऊपर वाले को सौंप लो। सौंप के देखिए, सौंप को देखिए कैसा फील होता है, लेकिन विश्वास के साथ सौंप दीजिए, क्योंकि उसने वादा किया है हमसे। आप बताइए, आप नॉर्मल व्यक्ति हैं या महान हैं? ठीक है ना, महान है, लेकिन इस लोक के हैं, जो भी कलयुग से गुजर रहा है, 60% लोग भारत में अभी भी ऐसे होंगे जो अपनी जुबान की लाज रखते होंगे। भगवान ने हमें जुबान दी है, वचन दिया है, डंके की चोट पर दिया है, कान में नहीं दिया, पर्सनली किसी के कान में नहीं बोला है। वो जो भी कहता है डंके की चोट पर कहता है, और बोलता है ढोल बजा बजा के बताओ सबको, अपना भी भला करो और दूसरों का भी भला करो। अब उसने क्या वचन दिया, जब कोई मुश्किल आन पड़े,
जब ऐसा लगे कि मेरी सामर्थ्य फेल हो रही है, मेरी शक्ति जवाब दे रही है, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात में हम भगवान को परेशान करें। बच्चा 5 साल का है, कॉकरोच से डरता है तो बनता है, चलता है, लेकिन बच्चा यदि 25 साल का होकर के कॉकरोच से डर के माँ की गोद में घुसे करके, तो माँ को भी लज्जा आएगी, आएगी कि नहीं? अब छोटी छोटी सी बातों को लेके हम भगवान को परेशान करें। भगवान के बच्चे कुछ तो ताकतवर होंगे, छोटी छोटी समस्याओं को तो निपटारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? परंतु यदि कुछ बात ऐसी आन पड़े, जब मेरी सामर्थ्य जवाब दे जाए, जब शक्तियां फेल हो जाए, तब तो चिंता मत करना, बाजू में देखना, मैं बैठा हूं। उस समय दिल से कह देना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो। फिर बाबा ने बोला, देखिए उसका वादा क्या है, मेरे बच्चे बुलाए और मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। बाबा बधा है अपने बच्चों की मदद करने के लिए, 100% अपना वचन निभाएगा, 100% बोल सकते निभाएगा। परंतु दो कंडीशन रखती है प्रॉमिस में, जो इन दो कंडीशन को फॉलो करेगा वो भगवान की मदद के चमत्कार देखेगा जीवन में, चमत्कार जिसे कहते हैं भगवान के चमत्कार। लेकिन दो कंडीशन क्या है, मैं प्रॉमिस तो कर रही हूं लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है, मेरी कुछ शर्त है। देखो भाई, मैं वादा तो नहीं पाऊंगी लेकिन इस शर्त है। अब भगवान जी ने वचन तो दिया, वादा तो किया, परंतु दो शर्तें, दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या रखी बाबा ने, जब बाबा को बोलो तो कहां से बोलो, दिल से। ये पहली कंडीशन है भगवान की, दिल से जुड़ी है उससे, जो मैंने अभी बताया ना कि हम केवल उसे दिमाग से यूज करते हैं, और भावना प्रेम केवल दिल में पैदा होती है, दिमाग में केवल स्वार्थ पैदा होता है। इसलिए स्वार्थ ही नहीं, काम पड़ा तो भगवान याद आया, और काम निकल गए तो हम तुम्हें जानते नहीं। जब भी याद किया तो मतलब से किया, जब भी प्रसाद चढ़ाया तो मतलब से, जब भी मंदिर गए तो मतलब से। अब कोई मुझे दिन में 10 बार मतलब से बोले, मतलब से याद करे, मतलब से प्यार करे, कितना यूज होंगे हम, आखिर तो एक दिन समझ में आ जाएगा ना, बड़ा सेल्फिश है, मतलब ही है ये बंदा, भगवान को ही समझ में आता होगा। दिमाग से इंफॉर्मेशन लेना ठीक है कि वो ज्योति बिंदु है, निराकार है, परम धाम का वासी, मेरा पिता युग बदलने आया है, सर्वशक्तिमान है, हम उनकी संतान है, ये इंफॉर्मेशन ठीक है, दिमाग से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, परंतु रिलेशन केवल दिल से। हम रिलेशन दिमाग से नहीं बना सकते, और यदि हम दिमाग से रिलेशन बनाना भी चाहेंगे तो वो लंबा समय चलेंगे। दिल से रिलेशन लॉन्ग टाइम चलते हैं। तो भगवान की पहली कंडीशन है, दिल से जुड़ो, सच्चे दिल पर, और अगर साहिब राजी हो जाए तो फिर वो कहावत है कि जब वो देता है तो 56 काट के देता है। अब राजी करना वो मेरे हाथ में है, टेक्निक बता दी है, सच्चा उसके मामले में दिमाग को यूज नहीं करना। बड़ी हैरानी की बात है, जन्म जन्म जिसके सामने खड़े होकर, हाथ जोड़कर, जिसके मंदिर में जाकर मैंने कहा, भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे दो, थोड़ा सद्विवेक दे दो, थोड़ी
इच्छा नहीं है, दिल की खींच नहीं है जो दिल से दिल तक मिले जाके वहां अभी तक नहीं पहुंचे। तो एक तो दिल से कहना और दूसरा क्या कहना, दिल से क्या कहना, बनाया मेरा। ये मेरा शब्द क्यों बोला, अंडरलाइन, दिल से कहना मेरा, अंडरलाइन किया बाबा ने इसको मेरा। आपको पता है इमीडिएटली जो मदद मिलती है ना वो मेरों को मिलती है, परायों को नहीं। अभी बच्चा घर में सो रहा है, आप नेक्स्ट रूम में सो रहे हो और आपको बच्चा रोने लगे, चिल्लाने लगे, आपको पुकारने लगे, डर जाए, भयंकर सर्दी, हीटर लगाया है, रजाई ओढ़े सो रहे हैं, लेकिन बच्चे की पुकार सुनी, रोना सुना, तो क्या करेंगे आप? एक तरफ रजाई फेंकेंगे और जितनी तेज कदमों से दौड़ सकते हो उतनी तेज कदमों से दौड़ कर देखेंगे मेरे बच्चे को, राइट राइट। और यदि पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो रजाई तान के मदद किसको मिली, मेरे को या पराए को? इसीलिए बाबा ने कहा मीरापन बढ़ाओ खुद से, मेरे को इमीडिएटली तत्काल मदद मिलती है। मीरापन रखो, मीरापन बढ़ाते चलो। केवल एक ब्राह्मण परिवार में रीति रसम है, रिवाज है मेरा कहने का, मेरा बाबा ये भी कहती वो भी कहती सब कहते से मैंने रिया शुरू कर दिया, वो मेरा नहीं, मुख से मेरा कहने तक नहीं बल्कि दिल से वो मेरा हो। क्या मैंने बाबा को मेरा बनाया है? क्या वो मेरों की लिस्ट में शामिल हुआ या नहीं? क्या कहते हो, हाँ या ना? मुख से या दिल से? सच्ची ईमानदारी से देख लो, हाथ रखो सभी अपने दिल पे, जरा एक बार आप बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। बहुत ही ईमानदारी से अपने आप से पूछेंगे, जो मेरा मेरों के साथ प्रेम है, रिश्ता है, फर्ज है, क्या वही प्रेम फर्ज रिश्ता ऊपर वाले के साथ भी है? जवाब सुनना अंदर से, बहुत ईमानदारी से सुनना। और क्या आवाज आएगी मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सुन ली आवाज, कुछ गड़बड़ है या सब ठीक ठाक है? जी कहीं तो कुछ है दुआ बोल है ना, थोड़ा बहुत है कि नहीं माता जी? तो इसे क्या करना है मेरे में, एक माता जी कह रही थी बाबा तो मेरा है, नहीं मेरा है, सच में मेरा है। मैंने कहा माता जी कब से ज्ञान में, कहती 15 साल से। अच्छा कौन कौन आते हैं घर से ज्ञान में है? हाँ मेरा पति भी आता है, बहू भी आता है, बेटा भी आता है। अच्छा फैमिली में कौन कौन है? तो सब गिना दिए, धोते पोते लड़की को, सब बेटे, एक को छोड़ के सब मिले, एक को छोड़ के। अब वो एक को नहीं था उसकी लिस्ट में, दिल की बात छुपाकर आगे बाकी सब है, मेरा बाबा नहीं है बस। नहीं नहीं मेरे घर में तो फोटो है, क्या खूंटी पे लटकाने के लिए? स्थान तो दिया पर खूंटी तक है या दिल तक है, ये मुझे देखना है, दिल तक। आज से कोई भी आपसे पूछे, लौकी कलौकी कोई भी हो, आपके घर में कौन कौन है, तो सबसे पहले कौन होना चाहिए? सबसे पहले कौन? और फिर बाबा की ये फैमिली। आप इनसे लाए थे परिवार, आपके साथ आया था जब आप इस सृष्टि पर जन्मे थे, आपके साथ परिवार आया था क्या? जब जाओगे तब कोई जाएगा साथ में? किसने दिया आपको परिवार? तो उसका जो उसका है उसका बताने में संकोच कैसा? मैं भी उसकी, मेरा परिवार भी उसका। मेरा कौन है? बाबा। आज से मेरे घर का हेड कौन होगा और सारी हेडर किसकी होगी? क्योंकि जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दो उसको, हम निमित्त मात्र हैं बस, हेल बन जाओ ये नहीं है उसे बना दो, ठीक है ना। तो हमारे घर का हेड बाबा, आज से हमारे घर का एक मेंबर, अगर पांच है तो कितने भूलेंगे तो नहीं। एक माता ने ऐसे ही कहा कि बाबा को तो बच्चा बना लिया मैंने अपना, बहन जी बस मेरे तो दो बच्चे थे, इसका मेरा बाबा सबसे बड़ा बेटा। मैंने कहा अच्छा, बहुत अनन्य बच्ची, निश्चय बुद्धि, बड़ी सेवाधारी, वहां जाना हुआ सूरज भाई का, हम लोग गए, बहन जी ने फोन किया, माता को जानते थे, बुलाओ मेरी माता को, बहन जी ने फोन किया आ जाओ, बहुत सेवा भी है, थोड़ा सेवा में हाथ भी बटा लेना प्लस क्लासेस भी सुन लेना। बहन जी ने कहा कि जल्दी से आ जाओगी, लेकिन उधर से वो माता कहती है मुझे तो बुखार है, सुबह वैसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, चक्कर आ रही है मुझे, सब घूम रहा है, हेडक हो रही है, सब फट रहा है मेरा, कैसे आऊं, चाहती तो थी पर नहीं आ सकती। बहन जी ने फिर भी कहा तुम्हें दवाई ले लो, कुछ खा पी के, ये इसकी तुलसी की चाय पी के, कुछ ये लेके आ जाओ, थोड़ी हिम्मत करके आ जाओ, नहीं आ सकती। और वो झूठने को भी थी बेचारी, उसको सच में बुखार था, रियली थोड़ी ही देर में उसके दो बच्चे स्कूल से आते हैं, छोटे छोटे घर में माता के लिए, बच्चे बस्ता फेंकते और रोते हैं हमें खाने को दो, कुछ हम भूखे हैं, हम ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गए थे, अभी तो कुछ खाने को दो, माता को बुखार है 102, क्या करेगी माता, बहुत सारी माताएं बैठी है ना यहाँ, 102 बुखार, बच्चे भूखे हैं, रो रही हैं, खाना मांग रही हैं, कौन सी माता है जो ये पड़ोसी को खा लग जाके है कोई, क्या करेगी, क्यों तो बुखार है ना, हेडक है, सर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, कैसे बनाओगी आप, कैसे बनाओगी, उठ गई ना, ब्रेड बटर, मैगी, नूडल्स, पुलाव, खिचड़ी, पोहा, जो इजी से इजी बन सकता है बना के देंगे कि नहीं, भले आपको पैरासिटामोल खानी पड़े, सर पे बाम लगाना पड़े, पट्टी बांधनी पड़े सर पे, पर मैदान में बच्चों को भूखा, शिव बेटा भी तो तुम्हारा ही बच्चा था, जब शिव बेटा की बात आई तो बहाने पर बहाने क्यों आ गए, एक के बाद एक, और जब खुद के बच्चे की बात आई तो बड़े से बड़े बुखार से कॉम्प्रोमाइज हो गया, मैं खड़ी हो गई, मैंने खाना बना दिया। तो क्या ये मैं दो बच्चों में पक्षपात नहीं कर रही, कहीं मैं स्टेप मदर तो नहीं बन रही, सोते ही मां, एक बच्चे के लिए मैंने बुखार की पीड़ा सहन कर ली और एक बच्चे के लिए सुनना भी पसंद नहीं किया। भगवान हमेशा प्रीत की रीत निभाता है, भगवान का वादा है केवल एक कदम तू मेरे लिए उठा ले बस, काश वो वादा एक कदम भगवान के लिए उठा देती, हाँ बोल देती, बिना दवाई उसका बुखार को सुप्रीम सर्जन यदि ठीक ना कर देता फिर कहना था, लेकिन हमारा हिम्मत का एक कदम उठता नहीं, इसीलिए हजार मदद के कदमों से हम वंचित रहते हैं। एक बार हिम्मत का एक कदम उठा के तो देखो, तभी तो तुम्हें उसके चमत्कार समझ में आएंगे, क्या करता है वो, कैसे कुर्बान जाता है वो, लेकिन वो एक ही कदम हमसे नहीं उठता। और वैसे भी आज मैं आपको बता दूं एक अद्भुत सत्य, आप इस पेन पेपर पे लिखवा के ले लो मेरे से, मैं आज डंके की चोट पे बताती हूं एक सत्य आपको, अगर पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में कोई मेरा है जिसे मैं मेरा कह सकती हूं स्टैंप पेपर पे लिख के, वो केवल ऊपर वाला है, बाकी सब
मेरा मेरा ये भ्रम है। इनसे बड़े प्यारे प्यारे हिसाब किताब है मेरे, कोई लेने आया है और कोई, जिस दिन ये लेन देन पूरा हो जाएगा उस दिन तेरा रास्ता इधर और मेरा रास्ता सब मेरे धरे के धरे रह जाएंगे। मेरे तत्व की जब तक ये शरीर है, जिस दिन ये शरीर खत्म उस दिन कोई दरवाजे तक कोई शमशान तक उसके आगे कोई नहीं। एक शमशान घाट पे लिखा था, मेरे चार भाइयों तुम मुझे यहां छोड़ने आए, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। मैं सोच रही थी इसके नीचे अगर एक लाइन हो लिखी होती तो कि आगे भी चलो मेरे साथ तो शायद कोई अपनों को शमशान घाट भी नहीं ले जाता। अगर आगे जाने की भी कंडीशन होती है, जो चार मुझे यहां छोड़ने आए हैं कंडीशन ये है कि वो आगे भी क्या हो मेरे साथ चले, तो कोई शमशान छोड़ने नहीं जाता। ये काम भी शायद सरकार को करना पड़ता है, डेड बॉडी को जैसे उठाना पड़ता है, वो तो शुक्र है वो लाइन नहीं लिखी थी। अच्छा, जिसे शमशान घाट छोड़कर आए हैं घर आने के बाद यदि वो चलता फिरता दिखाई दे जाए तो घर से बाहर मिलेंगे हम सब। जिसे छोड़कर आए थे वो चलता फिरता घर में दिख जाए, ये है मेरे किले में मेरा राइट, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब सब साथ छोड़ देते हैं शमशान घाट तक, लेकिन शमशान घाट से भी आगे की यात्रा में जो मेरे साथ होता है वो कौन होता है, केवल अब ऐसे भी देखिए कलयुग में आप किससे मेरा कह रहे हो सबको बताना है कौन मेरे हैं कैसे मेरे हैं। पीछे हम इंदौर गए, आरती बेची गए, काफी लोग आए हुए थे तो एक 75 साल की माता भाई जी के सामने रो रही थी। भाई जी को सेशन के लिए जाना था तो मेरे को बोल के गए इसको थोड़ा साथ माना, तो क्यों रो रही है पता नहीं, जब से आई है तब से रोई जा रही है। मैंने देखा माता जी के पास जाके तो उनको कुछ चोटें लगी हुई थी, नीला लाल कैसे सूजा हुआ था ऐसे। मैंने सोचा थोड़ी बरसात हो रही है तो गिर गई होगी माता जी। मैंने माता जी को बोला आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, कहती नहीं मेरे को ऐसी चोट मिली है जिसका इलाज किसी के पास नहीं। माता जी ने सुनाया कि मैं ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगी कि आप भी सोचोगे कि मेरे ऊपर बीती है। जो क्या बीती, मेरा 4 साल का बच्चा उसका बाप गुजर गया, मैं विधवा अकेली मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने बच्चे को पाला स्वाभिमान से अकेले, शादी नहीं की दूसरी, बड़ा प्रेशर था घर वालों का इसलिए घर वालों का कुछ सपोर्ट भी नहीं मिला मुझे। पढ़ाया लिखाया स्वाभिमान के साथ ईमानदारी के साथ उसको एक बिजनेस भी बना के दिया, अच्छा सा बेटे ने लो मैनेज कर ले। बहू कैसी आई, फ्रीडम फाइटर। शादी के बाद बच्चे की दोनों किडनी फेल हो गई, लास्ट मोमेंट पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया या तो ट्रांसफर कर दीजिए या तो गया। माता ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, अपना एक गुर्दा हंसते हंसते निकाल के अपने बच्चे को दे दिया, एक से तुम जियो एक से मेरा जीवन चलेगा। लेकिन वो जो बहू थी वो माता जी को इतना अपमानित करती थी, इतने कड़वे शब्द बोलती थी जो उसने पूरे जीवन कभी नहीं सुने, फिर भी चुप रहती थी, बोलती नहीं थी कुछ। ये माता जी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई थी, खान पान की शुद्धि रखती थी। वो बहू माता को टॉर्चर करने के लिए कभी तो प्याज उसमें मिला देती खाने में, कभी लहसुन लाके, एक दिन तो हद हो गई वो मुर्गा ले बना हुआ मांस नॉन वेज और उसकी दाल में मिला दिया ला करके। उस दिन माता जी की धैर्यता की सीमा खत्म हो गई। माता जी ने कहा कि मैं अपना चूल्हा अलग रखती हूँ, तुम्हारी रसोई अलग रहेगी, मेरे रूम में एक छोटा सा चूल्हा रख देती हूँ, तुम तुम्हारा खाना अलग बनाओ मैं अलग बनाऊंगी। अब बहू को यह भी गवारा नहीं, आज तक माता जी खाना बनाती थी, माता भी सो
सोचती थी चलो मुझे अपना बनाना है, दो बच्चे इनका भी मैं बना लूंगी, कौन सी बड़ी बात है। पर प्रभु को ये बातें भी दोहराया नहीं, लेट नाइट सोती है, देर से उठती है, पूरी रात टीवी देखती है, अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट का डब्बा बना के देना पड़ेगा, काम सारा करना पड़ेगा, ये भी उसको खलबली मच गई दिमाग में। जैसे ही उसका हस्बैंड आता है, माता का बेटा, उसका इतना दिमाग खराब करती, क्या क्या बोलती है, उलट पुलट, सीधा गलत, जो भी उसको आया वो इतना भर दिया उसका दिमाग कि उस कली की औलाद ने जो कि आप सोच नहीं सकते। वो कमरे में गया, माता के बालों को पकड़ा कसके और दरवाजे में सर मारा उसका। इतना ही नहीं किया, उसका कपड़ा पकड़ के घसीटता हुआ लाया और मेन रोड के सड़क पे फेंक गया बाहर, लात मार के, निकल मेरे घर से। अब ये भूल गया कि घर तुझे बना के किसने दिया। ये है कलयुगी संतान मेरे, जिन्हें मैं मीना कहती हूं। दुबई में मेरे पीछे भाई ने अनुभव सुनाया कि हम सागर पे गए, छुट्टी का दिन था, बच्चे वगैरह सब पिकनिक कर रहे थे, बच्चे डूबने लगे सागर में, तेज लहरें आ गई अचानक, ये बचाने गया, बच्चे को तो बचा लिया लेकिन खुद डूबने लगा, लहरें बहुत ही जल्दी उसको पीछे धकेल के खींचे, जो भी उसके साथ थे उसने सबको आवाजें लगाई मुझे बचा लो मैं डूब रहा हूं, पर हालात इतने खराब थे किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पानी में घुसने की, इतना भयंकर डूब ले गया था सागर में, सबको पुकारा उसने। अब सर पर पानी आया तो उसने हाथ ऊपर करके हेल्प मांगी कि कोई तो बचा लो मुझे। अब सागर का खारा पानी उसके अंदर घुसने लगा, अब उसे लगा कि अब, और जब कोई नहीं होता तब कौन होता है, जिसका कोई नहीं यारो उसका, जो सबसे पहले याद आना चाहिए था वो सबसे बाद में याद आया। जब उसे कोई चारा नहीं नजर आया तब उसे भगवान नजर आया, बाबा याद आया। आप सोचो कि मृत्यु दो कदम दूरी पर है, उस समय मैं भगवान को कितने विश्वास से बुलाऊंगी, कितने दिल से पुकारूंगी उसको, समझिए उस कंडीशन को, इतने ही विश्वास से, इतने ही दिल से उसने बाबा को पुकारा, हे मेरे परम सद्गुरु, मेरे साथी, मेरे खुदा दोस्त, मेरे परम रक्षक, तू मेरी रक्षा कर। फिर वो बेहोश हो गया। पास बोट होती है तट पर, कुछ तैराकू भी होते हैं, वो तेजी से अपनी बोट लेकर के गए, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में उसको बाहर निकाला, आधा मर चुका था जैसे, बाहर निकाल के प्राइमरी स्टेज पे जो पंप वंप करके पानी निकालते हैं वो निकाले, एम्बुलेंस आ गई, फटाफट उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, आईसीयू में एडमिट है, तीन दिन हो गए होश नहीं आता उसको, चौथे दिन होश आया, और जब होश आया तो वो सब लोग वही खड़े थे जो उसके साथ गए थे सागर पर, उसने किसी की तरफ नहीं देखा, मुंह फेर लिया, आंख से आंसू आने लगे और उसने कहा कि मेरा तो वही है जो डूबते को बचा ले। बस आज मेरी समझ में आ गया मेरा कौन है, और मेरा वही है जो मुझे गहरे सागर से भी निकाल के ले आया, क्योंकि लास्ट पुकार उसने सुनी, बाकी सुनकर भी सब अपनी बड़ी थी, अपनी बड़ी थी, नंगा डूब जाए थे मेरे, लेकिन हेल्प नहीं दे पाए, तो अपने दिल में थोड़ी सी जगह बाबा को दीजिए, इनके लिए जो मेरे हैं आप इतना करते कीजिए, कोई मना नहीं, बाबा कहते जो आपकी रचना है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाखूबी निभाओ, अच्छे से अच्छे निभाओ, इतना नहीं इतना कीजिए, करते भी हैं, ना दिन देखते, ना रात, ना पाप, ना पुण्य, ना केला, ना मेरा, ना पराया, करते रहते पीछे, लेकिन इतना सा किसके लिए बनता है, इतना सा उनके लिए, पर इतना सा
भगवान के लिए मस्त 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 कंपल्सरी। अगर हम 24 घंटे उनके लिए दे सकते हैं तो 45 मिनट, एक मिनट, एक घंटा भगवान के लिए नहीं देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि साथ यही आएगा, काम यही आएगा। जब सब साथ छोड़ देंगे, पता नहीं कब कहां कौन किस मोड़ पर हाथ साथ छोड़कर चलते, कोई श्योरिटी नहीं। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब उसका सहारा काम आता है। इसीलिए अपने दिल में जगह दीजिए बाबा को, प्रीत कीजिए उससे। और इतिहास गवाह है कि हर प्रीत की रीत भगवान निभाते हैं, बहुत अच्छे से निभाते हैं। और जब वो निभाते हैं ना तब इतिहास बनते हैं, तब चमत्कार बनते हैं। तो अपने दिल में प्रीत पैदा कीजिए, सच्ची प्रीत, ठीक है ना? तो सौंप दिया सारा भार, टेंशन सौंप दो, मत रो यहां पे कुछ नहीं। वो सारे दुनिया का जो बोझ उठाने वाला है आपके मन के बोझों को भी सौंपो उसको। एक भाई जो बहुत ही यज्ञ में स्नेही था, बहुत सेवा के, और ऐसे टाइम में भी जब यज्ञ बेगरी से गुजर रहा था, आप सोच रहे होती आवश्यकता में मदद करना, अब मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्यास के कारण मेरे प्राण सूख रहे हैं, और ऐसे टाइम पे मुझे कोई दो घूंट पानी पिला दे तो उम्र भर के लिए मैं उसी का हो जाऊंगी। और अभी मुझे बिल्कुल प्यास नहीं, आप मेरे सामने 6 प्रकार के जूस भी रख दो तो मुझे उसकी कोई कीमत। तो उस भाई ने जब बेगरी लाइफ से यज्ञ गुजर रहा था उस टाइम पे मदद की, जब आवश्यकता थी, बहुत आवश्यकता थी। लेकिन पता नहीं कुछ पूर्व के ऐसे पाप के प्रभाव उसके सामने आए, चलते चलते मुसीबतों में परिस्थितियों में फंस गया वो भाई, और इतनी बुरी तरह फंस गया कि उसे कोई रास्ता ही नहीं मिला बाहर निकलने का। उसकी कंडीशन ये थी कि बस लास्ट है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, ये सोच लिया। पर फिर भी कोई पुण्य उदय हुआ, सही समय में सही विचार आया। काफी समय से यज्ञ से वो हटा हुआ था, माउंट आबू तो 4-5 साल से नहीं आया था। उसके बाद एक विचार आया कि एक बार में दादी प्रकाश मुनि जी से मिल जा करके, ये उसका कोई पुण्य था जो ऐसा विचार उसके मन में आया। और वो दादी प्रकाश मुनि से मिला जा करके, दादी प्रकाश मुनि को सारी प्रॉब्लम बताई। दादी जी अच्छी तरह जानती थी भाई की मदद की बाबा की। उसने कहा भाई तुम घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो, मैं कल ही संदेशी को भेजो कि भोग लगवाने और तुम्हारा सीधा स्थान भगवान से मंगवाएंगे। क्या बोलता है बाबा? संदेशी जैसे ही बदन में गई भोग लेकर, तो बहुत सुंदर सीन बाबा ने वहां दिखाया। वो जो प्रॉब्लम वाला भाई था, सूत की कच्ची बुद्धी हाथ में लेकर बैठा था, जो पूरी तरह लिखी हुई उसे सुलझाने का प्रयास कर रहा था। कभी इधर से धागा पकड़ता, कभी इधर से, कभी इधर से, पर वो जितना उसे सुलझाने का प्रयास कर रहा उतनी ही पुलिस की जा रही थी। थक गया थे वो। जब वो थक गया तो निराश नजरों से उसने बाबा की तरफ देखा, और बाबा बड़े साक्षी होकर उसे देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे दूर से। जैसे ही बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने अपना राइट हैंड ऐसे आगे बढ़ा दिया कि तूने सुलझा के देख ली, नहीं सुलझते मेरे को दे दे। लेकिन उस भाई ने बुद्धि बता के बिना सोचे समझे वो बुद्धि बाबा के हाथ पे रख दी, और जैसे ही बुद्धि हाथ पे रखी वो ऑटोमेटिकली सुलझ गई। मैसेज यही था, बस यही सीन मैसेज था, जिन उलझनों को तुम सुलझा नहीं सकते उन्हें भगवान को दे दो, सौंप दो, समर्पित कर दो, समर्पित सौंप दो, दिल से सौंप दो। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से, दिल से। जब भी वो कोई बात परेशान करे, कोई भयभीत
करे, कोई चिंता चिंतित करे, उस समय हाथ खोल के गीत गाना, अब सौंप लिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, बाग डोर तुम्हारे हार हार स्वीकार। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, है बाग डोर, हल्के बिल्कुल लाइट हो जाओ। लेकिन सौंपने के लिए क्या चाहिए, हम अपनी कोई भी चीज किसी को सौंपेंगे तो किस आधार पे सौंपेंगे, विश्वास, मस्ट कंपल्सरी। हमारा बाबा में निश्चय जितना होगा उतना हम सौंप देंगे, और यदि निश्चय ऊपर नीचे होगा तो कभी उसे देंगे कभी खुद लेंगे, ठीक है ना। मामा हमेशा कहती थी जो पता नहीं पता नहीं पता नहीं करते उनका क्या हो जाता है, किसी एक बार सौंप दिया तो सौंप दिया, परिणाम चाहे कुछ भी हो सौंप दो, और वो बढ़िया से बढ़िया ही करेगा आपके सामने, बढ़िया से बढ़िया करेगा। कई कहते जी हमने तो बहुत बार सौंपा है, हमने तो 21 दिन योग भट्टी भी कर ली, हमारी तो सुनवाई नहीं होती, पता नहीं भगवान भी ठहरा हो गया क्या, सुनता ही नहीं आजकल, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न भेजते समाधान लोग, सुनता तो है परंतु एक बात आज से ध्यान में रखिएगा, अब हम संगम युग के उस आधार पर पहुंच गए हैं जब हर आत्मा का मार्च महीना चालू हो गया है। क्या होता है मार्च महीने में क्लोजिंग, हर आत्मा की क्लोजिंग शुरू हो गई, 63 जन्मों के हिसाब किताब का बैलेंस होना है, कभी पाप का प्रभाव सामने होगा तो कभी पुण्य का सामने होगा। एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब पाप का प्रभाव सामने होगा तब सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि समय मेरे फेवर में नहीं है, समय उचित नहीं है सुनवाई के लिए। अगर उसने सुन भी लिया तो शुभ की बजाय अशुभ हो जाएगा, अगर समय फेवर में नहीं है, पाप का प्रभाव है सामने, तो आप सोने को भी हाथ लगाओगे मिट्टी बनेगी, भलाई करने चलोगे बुराई मिलेगी, सब उल्टा होगा, क्योंकि समय पाप का प्रभाव लेकर आया है। ऐसे समय को विचलित होना नहीं, डाउटफुल होना नहीं, बहुत ही पेशेंस के साथ योग युक्त होकर बिता दो शांति से, वो लंबा समय नहीं चलेगा, वो थोड़े टाइम के लिए आया है। मन को चित्त को शांत कीजिए, पेशेंस बनाए रखिए, बाबा को याद कीजिए, उचित समय जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अब देखिए जैसे आपके घर में बच्चे को जुकाम हुआ है, उसका गला बैठा है, नाक बह रही है, बुखार हुआ है, और आप आइसक्रीम खाने की जिद करे, आप उसको हर हफ्ते आइसक्रीम खिलाते संडे के संडे, उसको बिना कहे खिलाते हो, परंतु आज वो रो रो कर चिल्ला कर आपसे आइसक्रीम मांग रहा है, जब उसको बुखार है, खांसी है, उसका नाक बह रही है, बहुत बुरी तरह तबीयत खराब है, आज आप उसको आइसक्रीम खिलाओगे? क्यों, बच्चा आपको पुकार पुकार के बोल रहा है तो सुनाई नहीं देता क्या, जेब में पैसा नहीं, ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं, क्यों सुना सुना हो रहा है आज जी, इसलिए आप सुना सुना कर रही है, है? अगर आज मैंने खिला गया तो बच्चे की तबीयत, तो भगवान भी तो केवल इतना ही करता है, उसे पता है कि यदि आप इसी गली में सुन ली तो क्या हो जाएगा, इसे नहीं पता ये नादान है, ये केवल आज को देख रहा है और मैं कल को भी देख रहा हूं, वो केवल आज को नहीं लेकिन आने वाले पल को भी देख रहा है। लेकिन एक बात आपने देखी कि आप आइसक्रीम खिलाने को कैंसिल नहीं कर रहे, केवल डिले कर रही हो, आप बच्चे को क्या कह रहे हो, बेटा तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद एक के बदले कितनी, ऊपर वाला भी कहता है बच्चे धीरज धर मनवा, धीरज धर तेरे आई, थोड़े से धीरज धर ले बस, ये सही समय को आने दे, ये पाप के प्रभाव को बीतने दे, फिर एक के बदले कितनी,
उत्तर भी है। आस्कर वो कहता था मुरलियों में लास्ट परीक्षा होगी निश्चय की, बहुत शॉर्ट टाइम की होगी लेकिन बड़ी टफ परीक्षा होगी, और ये परीक्षा लेनी बाबा ने शुरू कर दी। कभी भी किसी के भी विश्वास की निश्चय की परीक्षा हो सकती है। क्या इरादा है कानपुर वालों का, पास या फिर? परीक्षा तो थोड़े टाइम की होगी पर परीक्षा मतलब परीक्षा, ठीक है ना। कितने बजे? डेढ़ बजे तक कर दीजिए, डेढ़ बजे तक पूरा करो। क्लास पूरा करो या एडमिशन नहीं देता। सौंप दो,
समर्पित हो जाओ, पूरी तरह से सौंप दो, लेकिन विश्वास को डामाडोल। अभी एक भाई का फोन आया, वो कहता है बॉम्बे से फोन आया कि मुझे बॉम्बे में घर चाहिए। हमने कहा ले लो। कहता नहीं नहीं, जिस घर को मैं लेना चाहता हूँ ना, उसके बहुत सारे कस्टमर हैं, मेरे से अधिक पैसा लेके ले रहे हैं। तो राजयोग में कोई ऐसा प्रयोग है जो वो घर मुझे मिल जाए? अभी वो नया नया बाबा का बच्चा है, 6-7 महीने का। तो हमने उसको बताया कि ठीक है, 1 घंटा योग करो जब तक घर मिले, एक ही संकल्प से, एक ही स्वामन से योग करना। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जब से कभी का है। और आप विजन देखना कि ये घर मुझे मिल गया है, मिल जाएगा नहीं, मिल गया है, और मैं गृह प्रवेश कर रही हूँ, रजिस्ट्री मिल गई है मेरे हाथ में। बिचारे ने भोग लगा करके शुरू किया 2 महीने योग बिना कंटिन्यू किए, 1 घंटा रोज। 2 महीने के बाद उसको पता चला कि वो घर तो किसी और ने खरीद लिया। अब उसको बड़ी परेशानी हुई, दुख हुआ, और तो गुस्से में बाहर आया, और तो किसी पे पार नहीं, बस ही वापस ममता पर फोन लगाया। फोन उठाया मम्मे, तो बोलते हैं तो देखिए उसके क्या शब्द थे, देखिए बाबा बाबा सर ऐसे ही है, किसी में कोई दम नहीं है, तुम्हारे बाबा में भी कोई दम नहीं है, नहीं जाऊंगा मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम, टाइम वेस्ट करते खाने के लिए। मैं उसको बोलती रही भैया कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो, एक बार बताओ, तू शांत हो। वो नहीं, वो गुस्से में, बड़े दुख में, उसने मेरी नहीं सुनी, एक बार का रिप्लाई नहीं किया, फोन रख दिया। पूरे 25 दिन के बाद, ज्यादा दिन नहीं थे, पूरे 25 दिन के बाद पूरी इंडिया में बहुत बारिश हो रही थी, चारों तरफ बाढ़ आ रही थी, बॉम्बे में हैवी रेन हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। अब घर में भी कोई नहीं था, सब जगह शांति बंद, मधुबन घर वाले ही थे, बाकी कोई मेहमान नहीं था। तो सब न्यूज वगैरह लगा के बैठे थे, देख रहे थे, खूब बारिश हो रही है, कई दिनों में बंदी भी हो रही। अब न्यूज जो देख रहे थे तो एक न्यूज हाईलाइट हो रहा, बॉम्बे में एक बड़ी बिल्डिंग सुबह 8:30 के बीच में गिर गए, 30 लोग दबके मर गए, कुछ दबे पड़े हैं, और जो बच गए वो टोटली रोड पर है, कुछ नहीं बचा, ना जन ना धन, कुछ नहीं था, केवल सड़क पे खड़े, सब खत्म हो गया उनका। तो हमने चैनल बदल बदल के देख रहे थे, सभी चैनल में यही न्यूज आ रहा था, फिर फोन की घंटी बजी, और लकीली देखे कि तीसरी बार भी फोन मैंने उठाया। अब जैसे मैंने न्यूज देखते रहे तो उसको हेलो बोला, हेलो भैया, तो उसका पहला ही शब्द जो था उसने ओम शांति भी नहीं बोला, उसने पहला ही शब्द बोला वाह 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 वाह, बचा लिया तूने मुझे। मैंने बोला कौन बोल रहे हो भैया, कहता हूँ घर वाला भाई सुनाया था बाबा को, तो मुझे याद आया, अच्छा वो भाई बोल रहे हो। मैंने क्या हुआ, बहन जी आपको पता है क्या हुआ, क्या हुआ, जिस बिल्डिंग में मैं फ्लैट लेना चाहता था वो बिल्डिंग आज सुबह ही पूरी खत्म हो गई, इतनी बची। बोला अगर बाबा मेरी सुन लेता, मेरी जिद मान लेता, तो आज मैं जिंदा भी होता। लाख लाख धन्यवाद तेरा ऊपर वाले, जो तूने मुझे वो घर नहीं दिलाया, वरना मैं पूरा बर्बाद हो गया होता। तो मैंने उसे बड़े प्यार से पूछा, मैंने बाबा ने अपना दम दिखाया कि नहीं? उसने कहा हाँ बहन जी दम तो दिखाया, मैंने आपका भोग जो तुमने बाबा को लगाया था अपना संकल्प को पूरा करने के लिए, वो भोग स्वीकार हुआ कि नहीं? पूरा स्वीकार हुआ, जो आज मैं यहाँ पर जीवित खड़ा हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेरी जिद बन जाती है, मुझे चाहिए ही, लेकिन बाबा क्या देख रहा होता है, इसे देना गलत होगा। मेरी प्लानिंग गलत हो सकती है, परंतु ऊपर वाले की प्लानिंग कभी भी गलत नहीं हो सकती, इसीलिए मेरी प्लानिंग उसे करने दो।
दूरदर्शी है। वो जो बीत गया उसे भी जानता है, आज को भी जानता है और भविष्य को भी जानता है। तीनों कालों को देख कर परख कर मेरे लिए ऐसी प्लानिंग करता है जो मेरे लिए बढ़िया से बढ़िया हो। मैं तो केवल आपको देख रही हूं, अगले पल क्या हो रहा है वो भी मुझे नहीं पता। इसीलिए अपनी प्लानिंग छोड़ दो, उसके ऊपर सौंप दो और अपने घर में जाके लिख लेना, आज बड़े बड़े अक्षरों में स्केच पेंसिल चिपका देना, मेरी विजय सुनिश्चित है। वो डिले तो हो सकती है परंतु कैंसिल नहीं। कैंसिल नहीं। ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया।